एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी अंदर डेली अनालिस तो ट्रेडर्स मैं दो दिन से अवेलेबल नहीं था लाइव ट्रीडिंग में बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था सो so, ट्रेडिंग कर पा रहा था मैं बट मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ठीक है so, सो ना सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी से कल एक्सपायरी है सो नाओ यू हैव टू प्लान कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है ठीक so, है सो नाव निफ्टी फिफ्टी से शुरू करते हैं पहले डेली चार्ट आ जाते हैं सो so, डेली चार्ट में आपको एक चीज़ दिख सकती है यहाँ पर क्या पैटर्न बना है यहाँ पर बना है इन साइड बार ओके इनसाइड बार का मतलब क्या है मतलब है कि हॉल्ट ठीक है हॉल्ट राइट अब एक चीज़ बहुत अपने दिमाग में डाल लो कि मार्केट ने एक दो तीन चार चार सेशन के अंदर अगर आप लगाओगे हिसाब एटीन सिक्स फिफ्टी से लेके मोटा मोटी आप ये लेके चलो कि नाइनटीन थ्री हंड्रेड प्लस मार्केट ने मूव दे दिया और अगर ये दिन भी आप लेते हो तो फोर हंड्रेड तक चली गई तो कम से कम मार्केट ने आठ सौ साढ़े आठ सौ पॉइंट मार्केट कवर करके बैठी हुई है ठीक है इतना इतना तो क्लियर हो गया तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट हर रोज ऊपर ऊपर जाए ठीक है अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो सकती हैं या तो मार्केट थोड़े टाइम ऐसे साइडवेज होगा फ्लैट टाइप बनाएगा और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देगा ठीक है या फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा इसी जोन के अंदर एंड देन एक ब्रेकआउट देगा ऑल राइट या फिर मार्केट कल ही इस दिन के ऊपर से ब्रेकआउट निकाल के दे सकता है ठीक है सो नाउ सबसे पहले हम आते हैं पंद्रह मिनट के चार्ट पे अब पंद्रह मिनट के चार्ट को समझता है सबसे पहले मैं एक चीज़ लगा देता हूँ आप लोगों के सामने वो क्या है वो है टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज पाँच मिनट पे दिखाता हूँ मैं आपको ये आप देखिए टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज लास्ट जो प्राइस ने टच किया था वो ट्वेंटी सेवन्थ को था ठीक है उसके बाद आज प्राइस के पास आई है क्लियर है तो एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो ट्रेंड है वो क्या है वो अप है ठीक है और हर डिप जो होगी उसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी और अगर डे ट्रेडिंग की मिलेगी तो डे ट्रेडिंग पर भी ठीक है तो अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है सबसे पहले एक पैटर्न समझा देता हूँ मार्केट में हमेशा एक पैटर्न बनता है उस पैटर्न को समझो पंद्रह मिनट पर आ जाता है एक बार और पैटर्न देख लो आप अब।, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ट्रेंड इस दिन से शुरू हुआ था ठीक है ये क्या है ये है इसका प्रीवियस डे हाई मार्केट ने इसको टेस्ट किया मार्केट ऊपर गई अब आप देखिए ये क्या है प्रीवियस डे हाई मार्केट ने इसको चेक ही नहीं किया ऊपर पूरे दिन अब आप यहाँ देखिए कोई चेक नहीं किया ऊपर पूरे दिन कोई चेक नहीं किया ऊपर ठीक है अब आप देखिए यहाँ से क्या चीज़ चेंज हो गई है यहाँ से मार्केट ने इसको चेक किया ऊपर ही गई बट इसके नीचे क्लोज हुई है क्लियर है ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट ने पूरे दिन प्रीवियस डे हाई को क्रॉस भी नहीं किया ठीक है पूरे दिन एक रेंज के अंदर रही है मतलब प्रीवियस डे की रेंज में रही है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी ना वो कंपेयर थोड़ी सी कम हो गई है ठीक है अब जब अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकती है फिर स्ट्रेंथ गैदर करके ऊपर ब्रेकआउट देगी ठीक है तो अब आपको कैसे प्लान करना है ये समझते हैं हम लोग देखिए सबसे पहले आ, अगर आप सो so, प्लान हमेशा आप जब भी नेक्स्ट डे का बनाते हैं तो जो दो बजे के ढाई बजे के बाद जो मूव्स आते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं उनको आपको हमेशा देखना चाहिए सो so, पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही और एंड में मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है ठीक है क्लियर है तो सो so, अब आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर कल मार्केट इस जोन के पास ओपन होती है ठीक है इस जोन के पास ओपन होती है ये भी रिजेक्शन था से रिजेक्शन हुआ है मार्केट नीचे आई है अब हम कल देखेंगे इस जोन के पास मार्केट क्या करती है अगर यहाँ पर ओपन होती है और रिजेक्ट करती है इसकी तरह तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है मतलब पुट बाय की जा सकती है ठीक है क्वांटिटी पुट की हमेशा कम रखना रीज़न बीइंग कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को और दूसरा एरिया जो है बाइंग का वो आएगा इसके पास नाइनटीन थ्री फोर्टी के पास आपका बाय बनेगा ठीक है और यहाँ पर हम लोग सेल प्लान करेंगे क्लियर है तो यहाँ पर हम सेल प्लान करेंगे ओके और अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है टिकती है इसके ऊपर मान लो उसके ऊपर ओपन करती है और उसके ऊपर टिकती है ठीक है तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग बाय प्लान करेंगे सो अब बेसिकली हमारे पास कायदे से दो जोनस हैं एक जोन है ये और एक जोन है ये ठीक है यहाँ पर हम लोग डिप एक प्लान कर सकते हैं इस जोन तक या फिर अगर मार्केट इसके ऊपर टिकती है तो हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और इधर हम लोग बस ऊपर की तरफ प्ले करेंगे डायरेक्शन ऊपर है चांसेस मार्केट के नीचे जाने थोड़ा मुश्किल है अभी फॉर द टाइम बिंग अनसेंट्रल मार्केट थोड़ा लोअर हाइस्ट पैटर्न बनाए तब हम देखेंगे तब क्या करना है ठीक है अभी तक तो सारी चीज़ें जो कह रही है ये कह रही है बस एक हॉल्ट है और मार्केट ऊपर जाने को तैयार है बिकॉज नीचे में स्ट्रेंथ नहीं है इतनी अगर आप कैंडल्स भी देखोगे कैंडल्स जो ऊपर वाली हैं उनमें ही सारी की सारी स्ट्रेंथ है ठीक है तो ये हो गया आपका आ, गेम प्लान निफ्टी का एक जोन यहाँ पर है एक जोन यहाँ पर है यहाँ पर ऊपर भी ट्रेड करेंगे नीचे भी करेंगे बीच में आपने कुछ नहीं करना इसमें उंगली मत मारना ठीक है ना इसमें फंस जाओगे आधे लोग यही करते हैं और आजकल ये स्ट्रीम्स का बड़ा सीन चल गया है मेरे पास मेल्स आते रहते हैं कि हमने दस का नुकसान ले लिया पाँच का नुकसान ले लिया बिकॉज आप स्ट्रीम्स जा जा ज्वाइन कर रहे हो अलग अलग लोगों की स्ट्रीम्स देख रहे हो जा जाकर वहाँ पर वो ट्रेड करते हैं आप सीखने नहीं जा रहे हो आप ट्रेड करने जा रहे हो आप टिप लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होना ही है प्लस आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं सौ वहाँ पर अगर मैंने कोई टिप नहीं दी या मैंने कुछ आपको नहीं बताया तो आप किसी और के पास चले जाते हो वहाँ पर टिप्स लेते हो उसने नहीं बताया तो फिर किसी और के पास तो ये साइकिल चलती रहती है तो आप कितने भी वीडियो सीख लो कितना भी ज्ञान ले लो आप ट्रेडिंग करने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको ठीक है तो अब आते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी में कैसे रहेगा गेम प्लान देखिए सबसे पहले अगेन जो ड्रिल है वो सेम है ठीक है यहाँ पर भी इनसाइड बार ही बना है बट जो प्रीवियस बार था वो एक डोजी था मतलब एक हॉल्ट बार या फिर यहाँ पर टॉप बना दिया क्या है ये नहीं पता अभी देखेंगे इसके बारे में सो so, कायदे से अगर आप देखोगे मार्केट ने 45 150 के ऊपर 45 150 के ऊपर मार्केट ने सारा का सारा रिजेक्ट जोन बना रखा है यहाँ पर सारे रिजेक्शन हो रहे हैं मतलब मार्केट क्लोज़ नहीं कर रही है उसके ऊपर एज़ पर डेली चार्ट ठीक है अब एक काम करते हैं पंद्रह मिनट पर आते हैं और पहले मैं आपको पाँच मिनट ना आपको टू हंड्रेड ए मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ क्या आप देख सकते हैं है ना मतलब इसका क्या है मतलब ये है कि मार्केट जो है मूविंग एवरेज पे बाउंस ले रही है और यहाँ पर मे बी थोड़ा सा ब्रैकेट फॉर्म करके फिर मार्केट एकदम से ऊपर निकले ठीक है अब एज़ पर मूविंग एवरेज है डायरेक्शन ऊपर है सारी चीज़ें ऊपर है तो ओके अब आते हैं हम पंद्रह मिनट पर जस्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है देखिए अब आप अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 150 वाला जोन है वन फिफ्टी बोला था मैंने इनट क्या जोन आ रहा था यहाँ पर ये आ रहा है 163 का जोन ठीक है यहाँ पर 163 का जोन का जोन रहा इसको एक बार पहले मैं मार्क कर दूँ 163 का 163 163 ये रहा, ठीक है ये रहा जोन ये 163 वाला जोन है जिसके ऊपर मार्केट ज़्यादा कुछ खास वो नहीं दे रही है ठीक है इसके ऊपर जो मार्केट है रिजेक्ट कर रही है इतना तो क्लियर है अब हमें चेक करना है कि इस जोन के पास मार्केट क्या करती है वेट करती है क्या करती है ये हमें देखना पड़ेगा अब अगर आप देखोगे जैसे निफ्टी में एंड में एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है उस टाइप की कैंडल्स बैंक निफ्टी में नहीं बनी है बट बैंक निफ्टी में मार्केट नीचे भी नहीं गई है ठीक है तो मे भी एक हॉल्ट टाइप हो गया कल आप अगर कल देखोगे आप मार्केट ऊपर गई और आधी से ज़्यादा नीचे आ गई ठीक है और जो ये लास्ट पुलबैक था पूरे दिन मार्केट इसके नीचे ही रही है ये भी क्लियर है ठीक है और एक चीज़ और मार्केट ने जो मॉर्निंग का पंद्रह मिनट का हाई लो बनाया था पूरे दिन मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया और उसी जोन के अंदर मार्केट ट्रेड करती रही ठीक है सो so बेसिकली आज का जो दिन था ये मोस्टली ऑप्शन सेलर्स का था ठीक है जिन लोगों ने अगर स्टाडल भी बनाया होगा तो वो उन लोगों ने स्टार्डल स्ट्रैंगल वालों ने यहाँ पर पैसा कमाया होगा ऑप्शन बायर को बहुत माइन्यूट अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ऑप्शन ने इतना मूव भी नहीं किया अगर आप देखोगे भी ना ऑप्शन ने इतना मूव नहीं किया है मैंने आज आप लोगों के सामने एक चीज़ एक ट्रेड शेयर किया था आ, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अब इसके बाद कोई पुल बैक आता है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी से लेकर सेवेंटी के बीच में तो वहाँ पर हम सेलिंग प्लान करेंगे ओके मैंने पहले ट्रेड यहाँ पर लिया था एक थोड़ा लेट हो गया था मुझे एटलीस्ट यहाँ लेना चाहिए था यहाँ पर ट्रेड आया था मेरा और इसके अराउंड मेरा एस भी कट गया था ठीक है प्राइस के हिसाब से मैं बिल्कुल एट प्राइस हूँ बट ऑप्शन के हिसाब से मुझे नुकसान हुआ था ठीक है उसके बाद दोबारा यहाँ पर ट्रेड बनाया था इधर निकाला था बट कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ बिकॉज ऑप्शंस उस लेवल पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं ठीक है तो मे बी एक्सपायरी है जो भी है लेट्स सी सो so, इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है आज के दिन दिन कुछ खास मूवमेंट नहीं थी तो मेरा आज ऑलमोस्ट ब्रेक इवेंट टाइप ही था ठीक है तो आ, अब बात करते हैं कि अब अपना गेम प्लान कैसे रह रहे तो कॉन्टेक्स बता दिया मैंने आपको अब अब एक बार हम गेम प्लान समझ लेते हैं ठीक है तो देखो सबसे पहले मार्केट ने इस लेवल के पास ये जो लेवल है ना ये भैया आपका है मेक एंड ब्रेक 45,000 से लेके 45,050 फाइव ज़ीरो अभी जो मार्केट ने नया जोन बनाया है ना ये यहाँ पर ये जो लेवल है ना फोर्टी फाइव थाउजेंड का ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड किया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी फॉर शॉर्ट टर्म ठीक है ना कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है छोटी गड़बड़ है ठीक है फोर्टी फाइव थाउजेंड बींग अग राउंड नंबर तो उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा ध्यान रखना इस बात को ओके तो कल आपका जो बाय जोन्स होंगे ना वो आपके ये हैं ठीक है थीके? ये आपके बाय जोन्स हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड से लेके कर फोर्टी फाइव जीरो फाइव जीरो ठीक है ये आपके बाई जोन है क्लियर है अगर मार्केट लेट से गैप अप करती है इस जोन के पास यहां पर अराउंड आप लेके चलो 45 400 से लेके 45 370 के बीच में लेट से यहाँ गैप अप करती है ठीक है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि मार्केट करती क्या है क्या मार्केट इसके ऊपर क्लोज करके थोड़ा टिक रही है फिर ऊपर जा रही है अगर ऐसा कुछ कर रही है तो आप बाय प्लान कर सकते हैं अगर पहली कैंडल से ऐसे रिजेक्शन हो रहा है तो आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं टारगेट आपका फिर अगेन फोर्टी फाइव हंड्रेड का होगा मैंने आज आप लोगों को जो एक ट्रेड बताया था उसमें मैंने बोला था कि फोर्टी फाइव फिफ्टी तक जा सकता है ठीक है तो मार्केट ने जो लो भी मारा था वो सेवेंटी फाइव तक का मारा था फिफ्टी तक नहीं मारा मार्केट ने तो उसका मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ इस एरिया पर वैल्यू दी जा रही है आ, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका ट्रेड प्लान है आपने यहाँ पर इस इस जोन के पास आपने अपने जोन को देखना है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्लियर है उसके बाद इस जोन के पास आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट गैप अप करती है या कुछ करती है ठीक है और अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होती है ठीक है तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूंगा थोड़ा सा वेट कर लेना अगर मार्केट कल के लो को नहीं तोड़ रही है यहीं पर कुछ टिक रही है और ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है ठीक है क्योंकि सपोर्ट के नियर ही है हमेशा एग्जैक्ट सपोर्ट्स नहीं मिलेंगे ये भी आप ध्यान रखना ठीक है यहां पर अगर आप देखोगे इस लास्ट लो के नीचे एस एल हंटिंग की गई थी ठीक है और मार्केट ऊपर निकल गई क्लियर है तो और अब यहां पर क्या हो रहा है जरूरी नहीं है कि सेम चीज़ इस दिन भी रिपीट होगी ठीक है मे बी मार्केट कल यहीं से ऊपर भाग जाए तो आपने अलर्ट रहना है हमें पहले पाँच मिनट पंद्रह मिनट में हमें चेक करना होगा कि मार्केट कर क्या रहेगी है। ये है अपना सपोर्ट जोन अगर मार्केट इसके पास खुलती है तो यहाँ पर हम बाइंग प्लान करेंगे वेटिंग फॉर अ ट्रिगर ट्रिगर मतलब इस टाइप से ठीक है मॉर्निंग स्टार बुलिश एन हैमर प्लस एक बिग ग्रीन कैंडल ठीक है इस टाइप से कुछ अगर बनता है तो हम लोग प्लान करेंगे और अगर गैप अप होता है कुछ होता है तो हमें फोर्टी फाइव ये जो जोन है आपका फोर हंड्रेड से लेके कर थ्री सेवेंटी यहाँ पर हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे बिकॉज़ यहाँ पर छोटा मोटा आपको रेजिस्टेंस अभी मिल सकता है उसके ऊपर फिर आपके सिक्स हंड्रेड की तरफ रेजिस्टेंस है ठीक है ना तो ये आपके जोनस हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ये आपका गेम प्लान रहेगा और इसके नीचे तो आपके पास ये आपका टारगेट है ही अगर मार्केट मान लो टूटती है फोर्टी के नीचे तो आपका पहला टारगेट फोर्टी रहने वाला है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबली सपोर्ट मिल जाएगा और ये मुझे डाउट है कि आराम से आसानी से टूटेगा बिकॉज जो टू है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो रही है और यहाँ पर एक छोटा सा फर्स्ट टच आया है अभी ऑलराइट तो अगर मार्केट मान लो उसके नीचे ऐसे ऐसे ट्रेड करने लग जाती है उसके बाद कुछ प्रूव हो जाएगा कि अभी फॉर द टाइमिंग जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे 200 को भी रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा तो मार्केट 44800 और लोअर लेवल्स को चेक कर सकती है ठीक है तो सेलिंग उस हिसाब से प्लान करेंगे अभी फॉर द टाइमिंग सब कुछ ऊपर की तरफ है आपने बाय प्लान करना है बाय को ही देखना है आपने और आपने ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना और जो लोग ए वीव एप और ये सब चीज़ें यूज करते हैं आप लोगों के लिए जो लेवल्स हैं वो आपके अराउंड 45 250 के पास हैं बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैं बाइंग प्लान नहीं करूंगा इन लेवल्स पे ठीक है मैं यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकता हूँ बाइंग प्लान नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस है और दूसरी चीज़ हमेशा अपने लेफ़्ट पे देखिएगा एक चीज़ हमेशा अपने लेफ्ट पे देखिएगा उसका मतलब क्या होता है जब भी इस टाइप का कुछ रेड कैंडल या इस टाइप की ग्रीन कैंडल कुछ बन रही होती है ना तो वो क्या दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि इम्पैक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है तो अगर मैं इस पूरे जोन पर टॉप से बॉटम पर अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो जो इसका फिफ्टी वाला जोन है ना वो ये जोन आता है ठीक है इस जोन के पास आता है तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और ए वी वैप भी जो है वो यहीं पर कहीं आ रहा है तो इस जोन को मैं अभी फॉर द टाइमिंग सेल के हिसाब से देखूंगा अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जाता है तब मैं देखूंगा बट टारगेट्स मेरे छोटे रहने वाले हैं राइट सो ओवरऑल ये जोन आपका चेक रहेगा बाइंग के लिए यहाँ पर अगर कुछ मिला अपने को तो हम लोग प्लान करेंगे इधर टारगेट्स बहुत छोटे रहेंगे यहीं तक हम प्लान करेंगे इसके ऊपर अगर मार्केट टूटती है तब ये सिक्स हंड्रेड वाले टारगेट्स आएंगे ठीक है ना तो ये आप ध्यान रखिएगा ये अभी छोटा रेजिस्टेंस बना है अभी कितना टेस्ट होता है क्या होता है वो हमें कल पता चलेगा कल एक्सपायरी है एंड हम लोग टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के पास हैं तो एक अच्छा मूव हो सकता है बिकॉज मार्केट इतने दिन से गैप्स में मूव कर रही है तो बहुत लोग उस लेवल पर अच्छे ट्रेड्स ले नहीं पाए हैं और टू हंड्रेड को बहुत लोग फॉलो करते हैं सो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पर कुछ इंपैक्ट टाइप बन सकता है कल ठीक है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा एंड मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहूँगा सो तो डोंट वरी वहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको दूंगा तो मेक श्योर sure आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सो विल सी यू द नेक्स्ट वन थैंक यू फॉर वॉचिंग